नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार फार्मासिस्ट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग में, फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली वेलफेयर, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव। व्हाट इज मींस बाय कॉन्ट्रासेप्टिव। साथ ही साथ आज दोस्तों हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी फार्मा एंड बी फार्मा में। एंड टेम्परेरी मेथड में कितने टाइप होते हैं, जिसमें कि बैरियर मेथड आता है एंड परमानेंट मेथड। तो हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रिवेंटिव मेथड विच हेल्प टू वोमेन टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कॉन्ट्रासेप्टिव इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी जो है अवॉइड करने के लिए जो है ये मतलब एक मेथड है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और प्रिवेंटिव मेथड विच हेल्प्स वोमेन टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी नहीं चाह रहा है उसको अवॉइड करने के लिए ये एक मेथड है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ए देखते हैं, टेम्परेरी मेथड, जो कि बच्चों में अंतर रखने के लिए किया जाता है, टेम्परेरी होता है। स्पेसिंग मेथड भी इसको कहते हैं। उसमें आता है नंबर वन बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में नंबर वन आता है फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड कंबाइंड मेथड। सेकेंड नंबर है इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस एंड थर्ड नंबर है हार्मोनल मेथड्स एंड फोर्थ नंबर है पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड फाइव इज मिसलेनियस। तो ए टेम्परेरी मेथड में फाइव टाइप के जो है मेथड्स आते हैं, जो कि स्पेस रखते हैं प्रेगनेंसी ना हो, इसलिए जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और परमानेंट मेथड की बात करेंगे, जिसमें जो है टर्मिनल मेथड भी कहते हैं, जैसे मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन। डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार हर साल आता है, तो इसके बारे में ब्रीफ में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ हम विराम देंगे। नमस्कार।